गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास। गर्ल्स, आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संगम युग। आज हम लोग संगम युग पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, संगम युग क्या है? देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं राम शरण शर्मा। क्या कहते हैं कि संगम क्या है? तमिल कवियों और विद्वानों की जो परिषदें हुई थी, और कहने का भाव ये है कि जिन परिषदों में मुख्यतः बुद्धिजीवी ब्राह्मण और कवियों का वर्चस्व था, उससे ही संगम कहा गया है। देखिए, अगर हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो संगम जो साहित्य है, संगम साहित्य मुख्य रूप से 9 संग्रह ग्रंथों में क्या किया गया, संकलित किया गया। संकलित मतलब इकट्ठा किया गया है, उसका संग्रह किया गया है। देखिए, अगर हम इन 9 ग्रंथों में जो ये जो संकलित संग्रह है, अगर इस संग्रह की बात करते हैं तो इस संग्रह में 2979 कविताओं और 102 अनाम लेखों को क्या किया गया है, संकलित किया गया है। और देखिए, इनकी जो रचना की गई थी, इनकी रचना विद्वान कवि और कवित्रियों के द्वारा की गई थी, और इनकी संख्या जो कवि और कवित्रियों की संख्या है वो 473 के आसपास थी। देखिए, अगर हम संगम युग के अंतिम चरण की बात करते हैं तो संगम युग के अंतिम चरण में जो रचित ग्रंथ हैं, उन प्रमुख ग्रंथों में जो मुख्य ग्रंथ हैं वो हैं तोलकम्पियम और कालीतोगो और परिपांडल विशेष रूप से उल्लेखनीय तमिल ग्रंथ हैं। ठीक है, ये संगम युग के अंतिम चरण में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो देखिए, पहले हम संगम तमिल प्रदेश की अगर हम बात करें, या तमिल साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं संगम साहित्य है। ठीक है, अगर हम तमिल प्रदेश की बात करें तो कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों के जो बीच का प्रदेश था, उसको तमिल प्रदेश कहा गया है, और वहां का जो साहित्य है उसे संगम साहित्य के नाम से जाना गया है। क्यों संगम क्यों कहा गया है, मैंने अभी भी बताया था। संगम क्या है? तमिल कवियों और विद्वानों की जो सुव्यवस्थित परिषदें हुई थी, बैठकें हुई थी, उसमें जो साहित्य दिया गया उसे ही तमिल साहित्य कहा गया है, जिसे संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संगम साहित्य था क्या? देखिए, अगर हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो संगम साहित्य क्या था? तमिल और आर्य। ठीक है, तमिल इट मीन दक्षिण भारत, आर्य मतलब उत्तरी भारत। ठीक है, तो तमिल और आर्य दो भिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक मिलन, आपस के मिलन से जो साहित्य उद्भूत हुआ या जिस साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, उसे ही हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो संगम साहित्य क्या है? कई बार देखिए, आपका 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि संगम साहित्य क्या है। तो संगम क्या है? साहित्य तमिल और आर्य दो संस्कृतियों के योग से जिस साहित्य का उद्भव हुआ, उसे ही संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः इन दोनों संस्कृतियों के जो मिश्रण से जिन कल्पनाओं और जिन रचनाओं का साहित्य, या जिन रचनाओं को संकलित किया गया, लिखा गया, वो साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब हम आगे इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो पांडे शासक थे, पांडे शासकों के काल में 3 संगमों का गठन किया गया था। तो देखिए, अगर हम इन 3 संगमों की बात करते हैं तो पांडे शासकों के काल में ये जो 3 संगमों का गठन किया गया था, ये इनकी राजधानी मदुरा और कपाटपुरम नगर में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो हम तीन ये जो संगम हुए थे पांडे शासकों की राजधानी मदुरा और कपाटपुरम में, तो हम देखिए पहले संगम के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला संगम हुआ या जो पहली परिषद हुई थी, तो देखिए, प्रथम जो संगम हुआ था, इसके जो आचार्य थे, विद्वान थे, वो थे
अगत्य नाद, ठीक है, जिसको अगस्त्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इस संगम की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि कृषि प्रधान जो आर्य संस्कृति थी इसके प्रसार का श्रेय दिया जाता है। प्रथम संगम के दौरान कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के का प्रसार हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रथम संगम हुआ था ये प्रथम संगम राजधानी मथुरा में हुआ था। प्रथम संगम राजधानी मथुरा में हुआ था और इसमें 89 पांड्य शासकों का इस संगम को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अगर हम इस संगम की कार्य अवधि की बात करते हैं तो इस संगम की जो कार्य अवधि थी वो 4400 वर्ष मानी गई है। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रथम संगम के अंत की बात करते हैं तो प्रथम संगम का जो अंत हुआ था संभवतः मथुरा नगरी क्या हो गई थी, समुन्दर में समा गई थी, और जैसे ही मथुरा नगरी समुन्दर में समाई तो ये संगम भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, तो प्रथम संगम का अंत मथुरा जो राजधानी थी, सॉरी जो मथुरा राजधानी थी उसके समुन्दर में समा जाने के कारण क्या हो गया था, प्रथम संगम का अंत हो गया था। ठीक है, अब देखिए जो द्वितीय संगम हुआ था, द्वितीय संगम पांडे शासकों ने द्वितीय संगम की जो स्थापना की थी वो कपाटपुरम नगर में की थी। द्वितीय संगम की स्थापना कहाँ हुई थी, पहले संगम की स्थापना मथुरा में हुई थी और द्वितीय संगम की स्थापना राजधानी कपाटपुरम में की थी। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो तोलकम्पियर ने की थी। इसकी रचना द्वितीय संगम की जो रचना है वो किसने की थी, या जो अध्यक्षता है वो द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने, किसके द्वारा की गई थी, तोलकम्पियर के द्वारा की गई थी। और ये पांड्यों की राजधानी कपाटपुरम नगर में द्वितीय संगम स्थापित किया गया था। और अगर हम इस संगम में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो इसकी जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 48 इसकी सदस्य संख्या मानी गई है। ठीक है, और इसको इस संगम को लगभग 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था और यह संगम 3700 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं, उत्तरी मथुरा नगर की महत्ता में धीरे धीरे क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी और वृद्धि के कारण वहां पर तृतीय संगम की स्थापना की गई। पहला मथुरा में और तीसरा कपाटपुर, दूसरा कपाटपुर नगर में और तीसरा जो संगम है वो फिर मथुरा में आयोजित किया गया था। या तीसरे संगम की स्थापना कहाँ हुई थी, मथुरा में तीसरे संगम की स्थापना हुई थी। और अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो जो तीसरा संगम है इसकी जो अध्यक्षता है वो नकीर नामक महाकवि के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पांड्य शासकों के द्वारा जो तीन संगमों का जो गठन किया गया था हम लोगों ने इन तीनों संगमों के बारे में जाना। ठीक है, और ये जो संगम था एक इतिहासकार हुए हैं श्रीनिवास आर्यनगर, उन्होंने क्या कहा है कि संगम साहित्य 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के अंतराल में विचरित हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज संगम साहित्य के बारे में कुछ जाना और आगे क्या था, आगे जो संगम साहित्य है इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।